भैया मेरी वजह से रो रही है मोहन से। तेरी चुप हो जाए, एक बार बताओ क्यों। तो गाइस पायल मलिक बहुत ही ज्यादा रो रही है कीर्तिका मलिक को रोते हुए देखते। बेसिकली कीर्तिका मलिक इसलिए रो रही थी कि उसे बाहर का बात पता चल गया है कि पायल मलिक ने डिवोर्स का बात बोला था। इसीलिए कीर्तिका मलिक बिग बॉस के अंदर रो रही थी कि घर में क्या चल रहा होगा पता नहीं। तो उसी को देखते हुए पायल मलिक अपने ब्लॉग वीडियो में रोने लग गए। बाकी क्या हुआ मूवमेंट आपसे भी इस क्लिप में देखिए। जो टाइम मैंने फेस करे 1.5 साल मैंने और मार्जिन के पायल ने जो टाइम फेस करा ना, मैं नहीं चाहती कि वो टाइम दोबारा आए। रोने से कुछ नहीं होगा, कितने स्ट्रॉन्ग हो भैया मेरी वजह से रो रही है मोहन से। तेरी चुप हो जाए, एक बार बताओ क्या हो जाए। क्यों फिर बार बार देखते हो आप, फिर वो पुराना टाइम फिर याद करते हो अपना। मत रो भाभी, बस अब थोड़े दिन रहेंगे। लोगों का काम है बोलने की यार, वो तो बोलेंगे। मत रो भाभी, इतना स्ट्रॉन्ग हो आप। आप तो तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग। आपको मैं स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ, रोज बनती हूँ जी आपको, फिर वही सब चीज। क्यों देखते हो आप, एक काम करो फोन चलाना छोड़ दो, सो जाया करो टाइम से। मेरा फोन बंद करके थोड़ा सा मूड सही करते हैं फिर खराब कर लेते हैं। मेरा फोन बंद करके मेरे को फोन ही ये लो पानी पापा ने माँ कसम सुबह पीते ना, एक रोटी खाई मेरे को, रोटी खिलाई इन्होंने, ये रोटी तू खा ले। आज पूरे दिन से खाना भी नहीं खाया, हम तो भूले जा रहे थे। पहले पानी पीते थे दिन में 2-4 लीटर, ना पानी पीते ना कुछ करते, चक्कर आ रहे हैं ये कर रहे। आप अपनी ही सेहत खराब कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पायल मलिक जिए या मरे एटलीस्ट आपकी फैमिली काम आएगी। मैं आपसे इतना छोटा हूँ, मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ, आपको बोलनी चाहिए मेरे को। सबसे तो जो देख कर रहे हैं फिर वो ही प्यार करने लग जाएंगे। दीदी थोड़े दिन की बात है ये, आप टेंशन मत लो, इग्नोर कर दो सब चीजों। बच्चे हैं, घर काम है, घर आप अपने बच्चों से मतलब रखो, अपने परिवार से मतलब रखो, आपकी टीम है इतनी सारी, बताओ। फिर आपको देख रहे सारे लोग टेंशन में, आप मेरा फोन बंद करके रख दे, मुझे नहीं चाहिए फोन। बंद करके क्यों, आप चलाओ ही मत फोन को, बात खत्म। हम अपना कर लेंगे, मैं जो करना होगा काम करना होगा, अब मत चलाया करो, जितना देखोगे उतना और ज्यादा परेशान होगा। ऑल राइट गाइस, पूरा वीडियो देखने के बाद आप सभी को क्या लग रहा है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस चीज पर मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मैं कुछ बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि भाई कुछ लोग हेटर्स हैं और कुछ लोग उसका चाहने वाले हैं, तो वो सब मिलकर मेरे पैर लगाएंगे। बाकी इतना ही सा कहना था। इसे अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।